नमस्ते दोस्तों, मैं गगन जागीर व्याख्याता हिंदी आज फिर आपके सामने छंद पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे कि छंद में मात्राएं कैसे लगाते हैं, मात्रा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो हम मात्रा निर्धारण के जो नियम हैं उन पर बात करेंगे। और अगर छंद के ये जो मात्रा निर्धारण के जो नियम हैं इनको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो मात्रा में कभी गलती नहीं होगी, चाहे वो कक्षा 11-12 के बच्चे हो या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, सबके लिए उपयोगी हैं। तो हम देखते हैं कि छंद पर मात्रा कैसे लगाते हैं। तो मात्रा लगाने के लिए जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, मैं उन पर चर्चा करूँगा पहले कि मात्रा लगाने के लिए हमें मात्रा निर्धारण के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मात्रा जो है वो हमेशा स्वर पे लगती है। मात्रा हमेशा या सदैव स्वर पर लगती है। मात्रा हमेशा किस पर लगती है? स्वर पर। व्यंजन पर कभी मात्रा नहीं लगती। व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन का मतलब व्यंजन वर्ण पर कभी मात्रा नहीं लगती। यानी मात्रा हमेशा स्वर पर लगती है। मात्रा हमेशा स्वर पर लगती है, व्यंजन पर कभी मात्रा नहीं लगती। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मात्रा जो है हमेशा किस पर लगाई जाती है? स्वर पर। व्यंजन पर कभी भी मात्रा नहीं लगाई जाती। छंद में मात्रा लगाते समय ये ध्यान रखना है कि मात्रा केवल स्वर पर ही लगती है, व्यंजन पर नहीं लगती। अब जो दूसरी बात है वो अपने को ध्यान में रखनी है कि स्वर में हमारे पास ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, ऊ और री, ये चार ह्रस्व स्वर हैं। तो इन ह्रस्व स्वर पर तो कौन सी मात्रा प्रयुक्त होती है? लघु मात्रा। लघु मात्रा। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो दीर्घ स्वर हैं इन पर हमेशा गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। इन पर हमेशा कौन सी मात्रा लगती है? गुरु मात्रा। अब देखो यहाँ पर लघु मात्रा और गुरु मात्रा, अब कई बच्चों में ये भी दिक्कत आ जाती है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा कौन सी हैं, ये मात्रा कौन सी हैं। तो मात्रा का एक बार पुनः बता देता हूँ कि मात्रा में हमें पीछे जो पिछली क्लास थी अपनी उसमें भी बताया जा चुका है कि मात्रा किसे कहते हैं। यानी मात्रा का मतलब है कि स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसको मात्रा बोलते हैं। और मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, एक बार वापस देख लो, मात्रा जो है वो दो प्रकार की हैं। मात्राएं दो प्रकार की, एक तो होती है लघु मात्रा और एक होती है गुरु मात्रा। अब देखो लघु मात्रा जो होती है उसको हम खड़ी पाई के रूप में दर्शाते हैं। यानी लघु मात्रा का प्रतीक क्या है? लघु मात्रा का जो प्रतीक है वो है खड़ी पाई।
और गुरु मात्रा का जो प्रतीक है वो है वक्र रेखा। गुरु मात्रा को अपन कैसे लिखते हैं, यानी हम गुरु मात्रा कैसे लिखेंगे, वक्र रेखा के रूप में। गुरु मात्रा लिखेंगे हम वक्र रेखा के रूप में, और लघु मात्रा लिखेंगे खड़ी पाई के रूप में। तो ये है लघु मात्रा खड़ी पाई और गुरु मात्रा वक्र रेखा। अब हम बात करते हैं इनकी संख्या की, कि जब कई बार मात्रिक छंद होता है या मात्राओं की गिनती करें तो गुरु मात्रा की संख्या एक मानी जाती है। गुरु मात्रा की संख्या कितनी मानी जाती है, एक। तो गुरु मात्रा की संख्या तो एक मानी जाती है, और सॉरी गुरु मात्रा की नहीं, लघु मात्रा की, लघु मात्रा की संख्या एक मानी जाती है। लघु मात्रा की संख्या एक मानी जाती है और गुरु मात्रा की संख्या दो मानी जाती है। गुरु मात्रा की संख्या दो मानी जाती है, लघु मात्रा की संख्या एक और गुरु मात्रा की संख्या दो, ये मात्राएं होती हैं। अब हम बात करते हैं आगे, तो मात्रा निर्धारण में दो बातें आपने ऊपर देखी। एक तो पहली बात स्वर पे मात्रा, व्यंजन पर नहीं, और दूसरी ह्रस्व स्वर पर लघु मात्रा और दीर्घ स्वर पर गुरु मात्रा। ये ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं ये, और दीर्घ स्वर कौन से हैं ये। अब हमें जो तीसरी बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारे पास अगर कोई शब्द होता है और उस शब्द में कोई ह्रस्व स्वर लिखा हुआ होता है, और ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद यदि कोई आधा अक्षर आ जाता है, हलंत वर्ण आ जाता है, संयुक्त अक्षर आ जाता है या विसर्ग आ जाता है, तो वहाँ हमें क्या करना है, उस ह्रस्व स्वर पर भी गुरु मात्रा ही प्रयुक्त करनी है। जैसे मान लो ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद, यानी ह्रस्व स्वर के बाद कोई आधा अक्षर आ जाए, यानी बाद सीधा लिख लो, हलंत वर्ण लिख लो, जो एक ही बात है, हलंत वर्ण आ जाए, क्योंकि आधा वर्ण जो होगा वो भी आधा लिख दो चाहे हलंत लगा दो, बात एक ही है। हलंत वर्ण आ जाए, विसर्ग आ जाए, यानी ह्रस्व स्वर के बाद या तो कोई हलंत वर्ण आ जाए या विसर्ग आ जाए या संयुक्ताक्षर आ जाए। संयुक्ताक्षर कौन से, संयुक्त व्यंजन, यानी जिसको आप संयुक्त व्यंजन भी बोल सकते हो। नहीं, आप क्षेत्र गे भी आ सकते हैं, दे ये संयुक्त अक्षर वो भी आ सकते हैं, जैसे आप लिखते हो जैसे क्षेत्र गे श्रे ये, इस तरह से। तो संयुक्त अक्षर आ जाए तो वहां हमें क्या करना है, ये तीन बातें देखनी है कि यदि पहले ह्रस्व स्वर है और बाद में कोई हलंत वर्ण आ रहा है या कोई विसर्ग आ रहा है या संयुक्ताक्षर आ रहा है, तो हमें उस ह्रस्व स्वर पर भी गुरु मात्रा लगानी है। कौन सी मात्रा लगानी है, गुरु मात्रा लगानी है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे हमने कहा कि ह्रस्व स्वर पर लघु यानी लघु मात्रा आएगी, तो वो कैसे आएगी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कागज, या दूसरा को लिख लो आप यहाँ पे, जैसे ये लिख लो, इसमें सारे ही ह्रस्व स्वर है, कै में भी ह्रस्व है, मै में भी और र में भी, यानी इनमें ए मिला हुआ है, ए मिला हुआ है तो ए ह्रस्व है, तो यहाँ
लघु मात्रा लगेगी इस तरह से। और इधर जैसे दीर्घ स्वर है तो वहां जैसे आ जाए गांधी, तो यहां देखो गा गांधी, यहां देखो यहां भी गुरु है और यहां भी गुरु है, तो यहां गुरु मात्रा लगेगी। ये ध्यान रखना है कि कैसे लगानी है, इस तरह से यहां दोनों में गुरु मात्रा आ जाएगी। अब यहां ह्रस्व स्वर हलंत वर्ण कैसे, जैसे यहां मैंने नाम लिख दिया शिक्षक, यहां पे सी ह्रस्व स्वर है और आगे संयुक्ताक्षर है, तो हमें ये संयुक्ताक्षर इसके तुरंत बाद संयुक्ताक्षर होने के कारण इसको भी गुरु मात्रा करनी है, ऐसे मात्रा लगे। बाकी तो दोनों ह्रस्व ही है, ऐश्वर मिला हुआ है तो ह्रस्व स्वर है तो लघु आ जाएगी, लेकिन यहाँ संयुक्ताक्षर से पहले जो ह्रस्व स्वर है उसको गुरु लगेगी, ये ध्यान रखना है। जैसे स्पष्ट यहाँ पे देखो आदस है, यानी इसमें ये केवल व्यंजन है, तो व्यंजन है तो व्यंजन पर कभी मात्रा नहीं लगेगी, इस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी आदेश है पे। अब आगे है पै, पै में ह्रस्व स्वर है लेकिन उसके बाद देखो शे, इसको आप हलंत वर्ण बोल दो चाहे आधा अक्षर हो आधा वर्ण बोल दो, तो आधा लिखा हुआ है आधा अक्षर, तो ये जो आधा अक्षर आ गया यानी हलंत वर्ण या आधा अक्षर, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पै के बाद आधा अक्षर आ गया यानी हलंत वर्ण आ गया, तो इस पै को गुरु मात्रा लगेगी और फिर ये इस तरह से मात्रा लगानी है। अब हम अगली बात करते हैं कि अगली, यदि हमारे पास किसी शब्द में कोई ह्रस्व स्वर है और उसके बाद आधा अक्षर आ रहा है और उस आधे अक्षर के तुरंत बाद यदि है वर्ण आ रहा है यानी ह्रस्व स्वर के बाद कोई आधा अक्षर आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है यानी आधा अक्षर का मतलब हलंत वर्ण आ रहा है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमने पीछे रूल में पढ़ा कि ह्रस्व स्वर के बाद कोई आधा अक्षर आ जाए, संयुक्त अक्षर आ जाए या विसर्ग आ जाए, तो वहाँ पर हमें गुरु मात्रा लगानी है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, जैसे मैंने ये नाम लिख दिया दुख, तो यहाँ दु ह्रस्व है आगे विसर्ग आ गया तो यहाँ गुरु मात्रा लगाएंगे इस तरह से। लेकिन ह्रस्व स्वर के बाद आधा अक्षर हो और आधे अक्षर के बाद है वर्ण आ रहा हो, ये ध्यान रखना है। आधे अक्षर के बाद है आ रहा हो, क्या आ रहा हो, है आ रहा हो, तो फिर हमें इस पर गुरु मात्रा नहीं लगानी है, फिर गुरु मात्रा नहीं लगानी, फिर हमें इस पर लघु मात्रा ही लगानी है, फिर हमें इस पर लघु मात्रा ही लगानी है, ये ध्यान रखना है। यदि है न हो तो ह्रस्व स्वर पर आधा अक्षर होने के बाद गुरु मात्रा प्रयुक्त होगी, लेकिन यदि आधे अक्षर के बाद तुरंत उस आधे अक्षर के बाद है वर्ण आ रहा हो तो फिर ह्रस्व पर लघु मात्रा लगेगी। जैसे कुल्हाड़ी ये शब्द है, अब अगर ये है नहीं होता, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये अगर ये है नहीं होता, केवल इसकी जगह कोई है की बजाय कोई दूसरा अक्षर होता यहाँ पर यानी कोई वर्ण होता, तो इस आधे लय के कारण कु पर क्या हो जाता, ह्रस्व स्वर पर गुरु मात्रा आ जाती, लेकिन यहाँ पर आधे अक्षर के बाद है वर्ण आ रहा है तो है वर्ण आने के कारण इसको अपन लघु ही रखेंगे, गुरु नहीं करेंगे इसको अपन, यानी हम क्या करेंगे, गुरु नहीं करेंगे इसको लघु ही रखेंगे और ये इस तरह से मात्राएं लग जाएंगे। जैसे हमने यहां पे नाम लिख दिया
खाना। अब दोनों दीर्घ स्वर हैं, यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है गुरु मात्रा आ जाएगी। हमने नाम लिख दिया जैसे अन्न। अब इसमें ध्यान देना कि यहाँ ह्रस्व है और यहाँ भी ह्रस्व है, तुलना करके देखना, यहाँ भी ह्रस्व स्वर और यहाँ भी ह्रस्व है। इसके बाद आधा अक्षर आ रहा है, इसके बाद भी आधा अक्षर आ रहा है, लेकिन इस आधे अक्षर के बाद है नहीं है, इसलिए यहाँ तो गुरु मात्रा लगाएंगे, लेकिन इस आधे अक्षर के बाद है इसलिए यहाँ लघु मात्रा लगेगी। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो अगली जो बात है वो ये है कि ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार लगा हुआ हो, ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार लगा हुआ हो। यदि ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार हो तो गुरु मात्रा कौन सी लगानी है, गुरु मात्रा का प्रयोग करना है। और ह्रस्व स्वर पर चंद्रबिंदु लगा हुआ हो तो हमें लघु मात्रा ही लगानी है, तो हमें लघु मात्रा का ही प्रयोग करना है। यानी ये ध्यान देना है कि ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार लगा हुआ हो तो गुरु मात्रा, और ह्रस्व स्वर पर चंद्रबिंदु लगा हुआ हो तो लघु मात्रा। जैसे यहाँ पे कंचन, यहाँ अनुस्वार लगा हुआ है कह पर तो गुरु मात्रा आएगी और बाद में लघु। और यदि चंद्रबिंदु आ जाए, जैसे कई बार अपन यानी हम लिखते हैं अंधेरा, चंद्रबिंदु भी लग जाता है इस पे, तो यहाँ पर हमें ह्रस्व है चंद्रबिंदु लगाओ तो लघु ही करनी है। इस तरह से अंधेरा शब्द में कई बार चंद्रबिंदु भी लगा देते हैं और कई बार अनुस्वार भी लगा हुआ आ जाता है। तो यानी इस तरह से ये सिर्फ समझाने के लिए है कि यदि चंद्रबिंदु आ जाए तो हमें लघु मात्रा लगानी है, और अनुस्वार आ जाए तो गुरु मात्रा लगानी है। अब हम आगे देखते हैं कि दीर्घ स्वर पर दोनों स्थितियों में, दीर्घ स्वर पर चाहे अनुस्वार लिखा हुआ हो यानी अनुस्वार लगा हुआ हो या चंद्रबिंदु, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीर्घ स्वर पर चाहे अनुस्वार हो चाहे चंद्रबिंदु, दोनों ही स्थितियों में कौन सी मात्रा लगेगी, गुरु मात्रा लगेगी। दोनों ही स्थितियों में कौन सी मात्रा, गुरु मात्रा। अगली बात, यदि किसी छंद में और छंद के चरण के अंतिम मात्रा, किसी भी छंद में चरण की जो अंतिम मात्रा होती है वो ध्यान रखने वाली बात है, अंतिम मात्रा जो है वो विकल्प के अनुसार लघु या गुरु, लघु या गुरु मानी जा सकती है, मानी जा सकती है। ये ध्यान रखना है कि उसमें परिवर्तन हो सकता है। यदि छंद के चरण की जो अंतिम मात्रा है उसको विकल्प से हम लघु गुरु मान सकते हैं, बदल सकते हैं, गुरु को लघु, लघु को गुरु मान सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, वहाँ बाध्यता नहीं रहती है। तो ये है छंद के मात्रा निर्धारण के नियम। अब हम कुछ शब्दों पर मात्रा लगा के देखते हैं। जैसे मैं एक पद लिखता हूँ, जैसे अब हम बोलते हैं रही मन धागा प्रेम का,
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, तोड़े से फिर ना जुड़े या टूटे से फिर ना जुड़े। जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब हम इस पर मात्रा लगाते हैं। जैसे देखो, रही मन, यहाँ ह्रस्व 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 ह्रस्व, फिर देखो दोनों दीर्घ हैं तो गुरु मात्रा, यहाँ पर दीर्घ है तो गुरु मात्रा, यहाँ ह्रस्व है मैं तो लघु मात्रा, और फिर गुरु मात्रा, फिर लघु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, और यहाँ पर लघु लघु गुरु लघु, यहाँ दोनों गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु, इस तरह से हम मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ देखो दोहे में कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यहाँ तेरह मात्राएँ आ रही हैं। दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, और यहाँ पर भी तेरह मात्राएँ आ रही हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, यहाँ पर आ रही हैं ग्यारह मात्रा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, और यहाँ पर भी ग्यारह मात्रा, यानी ये दो छंद है। अब हमने जो पीछे बात पढ़ी वो भी यहाँ है कि देखो, हमने बात की थी पाद या चरण, वो भी चीज़ें साथ में बता देता हूँ कि एक छंद में प्राय चार चरण होते हैं, जैसे एक दो तीन चार। तो ये यहाँ पर ये एक एक चरण है, प्रत्येक चरण का चतुर्थ भाग, जैसे यहाँ से गिनेंगे तो चतुर्थ भाग ही आ जाएगा, यहाँ से गिनेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से गिनोगे तो हुआ, इस तरह से प्रत्येक छंद का चतुर्थ भाग पाद या चरण कहलाता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, ये यहाँ तक एक चरण है। लेकिन अगर इन दोनों चरणों को हम एक साथ एक ही पंक्ति में लिख दें यहाँ तक, तो फिर उसको दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखो, ये विराम, ये हमने निशान ये चिन्ह लगा रखे ना, यति, ये यति होती है, यानी यहाँ पर यति, और ये तुक बंदी होती है। अंतिम किसी भी छंद के जो अंतिम स्वर, जैसे छिटकाए जाए, ये जो अंतिम स्वर ध्वनि जो मिल रही है वो तुक बंदी है, इसको तुक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मात्रा वाली, देखो सब में स्वर पर मात्रा लगी हुई है, व्यंजन पर कहीं मात्रा नहीं है। और मात्रा निर्धारण के नियम आपको बता दिए कि मात्रा जो है वो हमेशा स्वर पर लगती है, व्यंजन पर कभी मात्रा नहीं लगती। दूसरी बात, ह्रस्व स्वर पर लघु मात्रा और दीर्घ स्वर पर गुरु मात्रा। तीसरी बात, ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार हो तो गुरु मात्रा और चंद्र बिंदु हो तो लघु मात्रा, दीर्घ स्वर पर दोनों स्थितियों में गुरु मात्रा प्रयुक्त होगी। अगर ह्रस्व स्वर के बाद कोई आधा अक्षर हलंत वर्ण संयुक्ताक्षर या विसर्ग आ रहा हो तो हमें वहां पर ह्रस्व स्वर पर भी गुरु मात्रा लगानी है, और अगर आधे अक्षर के बाद है वर्ण आ जाए तो हमें फिर उस ह्रस्व स्वर पर गुरु मात्रा नहीं लगानी, फिर लघु मात्रा ही लगानी है। और छंद के अंतिम चरण के अंतिम जो मात्रा होती है स्वर के, उसको हम विकल्प से लघु गुरु मान सकते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब कुछ शब्दों में जैसे गण बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नाम लिख लिया अंकुश, तो यहाँ पे देखो अनुस्वार है तो गुरु मात्रा लघु लघु। यहाँ पे कुछ और नाम लिख लिया, जैसे धर्मेंद्र, इस पे भी लगा सकते हो आप धर्मेंद्र, इस पर भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आधा वर्ण आ रहा है तो ये गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु, यानी रे आधा है ना, दह से बाद, दह के तुरंत बाद आधा आ रहा है तो गुरु गुरु और लघु। जैसे दारिद्र्य,
यहाँ इसको भी हलंत कर देता हूँ, दारिद्र्य दय को भी हलंत कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे दा गुरु मात्रा, री हरस्व लघु मात्रा। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, री हरस्व स्वर होने से लघु आएगी, लेकिन इसके बाद आधा दय आधा आ रहा है, तो हम यहाँ पर फिर इसको लघु नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, गुरु करेंगे। और यहाँ रे दय भी आधा और फिर हलंत लगा दिया तो रे भी आधा हो गया, तो दोनों व्यंजन कोई मात्रा नहीं लगेगी, आगे यह है तो लघु मात्रा। जैसे निःशुल्क हम लिखते हैं तो यहाँ विसर्ग आ गया तो नी की गुरु मात्रा आ जाएगी, आगे आधा आ गया तो स की भी क्या आ जाएगी, गुरु मात्रा आ जाएगी, क्योंकि स भी ह्रस्व है और आगे लघु मात्रा। इस तरह से हमें मात्राएं लगानी है, ये मात्रा निर्धारण के नियम हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने कुम्हार, इस पे देखो कह के यानी कु ह्रस्व है लेकिन बाद में आधा अक्षर आ रहा है, लेकिन आधे अक्षर के बाद है आ रहा है, ये देखो इस है के कारण क्या होगा, ये ह्रस्व ही रहेगा, गुरु नहीं होगा। और फिर ये दीर्घ है तो यहाँ गुरु आ जाएगी और ये फिर लघु। तो इस तरह से हमें मात्राएं लगानी हैं और ध्यान रखना है। तो जो बातें जो चर्चा हमने यहाँ पर की उनका ध्यान रखना है, और उम्मीद है आपको मात्रा में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे किसी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे कक्षा 11-12 के बच्चे हो, सबको मात्रा निर्धारण में अब कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।